हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेक्चर से स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 12। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या मैंशन किया है, यू कैन सी इन द क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल लिमिटेड एज ऑन 31st March इज गिवन। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन, पेबल्स एंड प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड कैश। तो ये आपको 31st March की बैलेंस शीट दी है। सेल्स फॉर द ईयर वर 600 लाख। तो ये जो करंट ईयर था इसकी सेल्स आपको दी है 600 लाख से। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022, इट मीन जो नेक्स्ट ईयर है उसकी सेल्स हैं हमारी एक्सपेक्टेड को इंक्रीज बाई 20%। नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड डिविडेंड पेआउट रेशियो एक्सपेक्टेड को भी 4% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। उसके बेस पर हमें नेट प्रॉफिट दिया है और उसमें से जो डिविडेंड है पेआउट वो होगा 50%। ऐसे कहीं ट्रेड लाइबिलिटीज विल राइज इन प्रपोर्शन टू सेल। तो जैसे आपको दिया कि नेक्स्ट ईयर में हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी 20%, तो देयर आल्सो सेइंग दैट एसेट्स एंड ट्रेड लाइबिलिटीज, ट्रेड लाइबिलिटीज होते हैं जो संग्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे राइज होंगे इन प्रपोर्शन टू सेल। सो यू आर रिक्वायर्ड टू क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड। तो आपको ये डिटर्मिन करना है कि एक्सटर्नल फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी मीन्स नेक्स्ट ईयर में, एंड डिटर्मिन द मोड ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। और जो एक्सटर्नल फंड्स हैं वो आप किस तरीके से रेज करोगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं हमारी। करंट रेशियो शुड बी एटलीस्ट 1.33, रेशियो फिक्स एसेट्स टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5, एंड लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 1.05। द फंड्स आर टू बी रेज्ड इन ऑर्डर ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इक्विटीज। क्योंकि एक्सटर्नल फंड्स हैं वो आपने रेज करने हैं इस सीक्वेंस में, इस ऑर्डर में। पहले शॉर्ट टर्म बैंक से बोरो करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, देन निकलेंगे इक्विटी। अच्छा क्वेश्चन है, तो लेकर सी हाउ टू अटेम्प्ट दिस। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स आपको दी हैं नेक्स्ट ईयर की, उसके बेस पर फिर हम एसेट्स और क्रेडिट लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके बेस पर फिर आपके एक्सटर्नल फंड्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी बैलेंस शीट से। तो लेकर सी इनकम स्टेटमेंट, तो लेकर सी इनकम स्टेटमेंट। This is for the year, so ending on 31st March 2022। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट ली है, करंट ईयर की सेल्स ली हैं, नेक्स्ट ईयर की सेल्स उन्होंने एस्टिमेट की हैं 20% इंक्रीज हो जाएंगी। सो यू कैन टेक व्हाट विल बी सेल्स, प्रेजेंट है आपकी 600 प्लस कर दीजिए 20% 720। उसके बेस पर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, तो जैसे जो गिवन को भी 4% नेट प्रॉफिट मार्जिन है 4% ऑफ सेल 720 × 4%। जैसे 28.8 इसमें से लेस कीजिए, फिर आपको यह है कि डिविडेंड पेआउट रेशियो है 50%, इट मीन्स प्रॉफिट में से हम डिविडेंड पे कर देंगे 50%।
जिसे जो 50% ऑफ प्रॉफिट पे आउट रेशो हो जाएगा, प्रॉफिट में से कितने परसेंट हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, 50% हो जाएगा 14.40। तो बैलेंस आपकी आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसे जो 14.40। फिर आप देखो डिफरेंट एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, तो सभी एसेट्स हमारी राइज होंगी इन प्रपोर्शन टू सेल्स। सेल्स आपकी देखो इंक्रीज हो रही है 20%, तो इसके बेस पर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। जैसे जो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, तो देखो फिक्स एसेट्स हैं सभी को इंक्रीज कर दो 20%। ये आपको दिए हैं 500 लैक्स रुपीज, आपके चल रहे हैं लैक्स में, किसी जो 500 प्लस कर लीजिए 20%, तो दैट विल बी 600। फिर आपको दिए इन्वेंट्रीज रिसीवेबल कैश, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, रिसीवेबल मीन्स डेटर्स, कैश एंड बैंक। स्टॉक इज 300, 240, तो इन सबको भी आप इंक्रीज कर दो 20%। तो इट मीन किसी जो 360, तो 240 प्लस 20%, 288 एंड 70, सो दिस यू विल गेट टोटल एसेट्स। सो इसके बेस पर आपकी टोटल एसेट्स आएंगी। देखो प्राइजिंग के लिए आपको ये थी टोटल एसेट 1100, ये की प्राइजिंग काफ़ी, इट मीन 1100 सारी एसेट्स हमारी 20% इंक्रीज हो जाएंगी, तो दिस विल कम 1320। अब कैलकुलेट करके लाइबिलिटी साइड में, सिर्फ ट्रेड लाइबिलिटीज वो हैं हमारी पेबल्स एंड प्रोविजंस, ये हमारी इंक्रीज हो जाएंगे 20%। तो बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल आपका सेम रहेगा एंड रिजर्व्स, यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड देन इट जो पेबल्स एंड प्रोविजंस। अब देखिए शेयर कैपिटल अभी हम सेम रखेंगे 200, रिजर्व्स में आपके पास देखो ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस शीट में 140, 140 में आप ऐड कर दो रिटेनिंग अर्निंग्स 14.4, तो जैसे जो 154.4। लॉन्ग टर्म लोन्स को अभी हम सेम रखेंगे 360, शॉर्ट टर्म लोन इज आल्सो सेम 200। ये हैं ट्रेड लाइबिलिटीज पेबल्स एंड प्रोविजन, ये इंक्रीज हो जाएंगे 20% विद इंक्रीज इन सेल, जिसे 120 एंड 80 को प्लस कर लीजिए 20%, 96, 144। अब आपकी टोटल लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स, पर एक कोई डिफरेंस आ रहा है वो आ जाएंगे हमारे एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड EFR, इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, ये आपका बैलेंस ही फिगर आ जाएगा। तो कुछ टोटल आप रखो 1320, तो लेके से हाउ मच इज बैलेंस माइनस 354.4 माइनस 560 माइनस 144 माइनस 96, दिस इज कमिंग 165.6। तो फर्स्ट उन्होंने ये पूछा कि कितने फंड्स हमें रेस करने पड़ेंगे बाहर से, विच यू कॉल एक्सटर्नल फंड से। अब देखते हैं किस तरीके से रेस करने हैं आपने, तो आप लिखें यहाँ पर टोटल एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड दी जा रहे रुपीज 165.60 लैक्स। देखो सबसे पहले अब आपने इसको रेस करना है, उसका सीक्वेंस हमें दिया है ऑर्डर, तो गिल जार को भी रेज इन ओगेरो शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग से, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग होती है करंट लाइबिलिटी। अब उसके लिए आपको करंट रेशो चेक करनी है, करंट रेशो शुड बी एटलीस्ट 1.33, उसकी कंडीशन अप्लाई करके हैं करंट रेशो एटलीस्ट मीन ग्रेटर कैन इक्वल टू 1.33। फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, एक को हम लेंगे कितनी करंट एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, करंट लाइबिलिटीज कितनी हैं, ये सारी करंट लाइबिलिटीज हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड जो क्रेडिट लाइबिलिटीज हैं आपकी,
एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल फंड्स। और प्लस अब हमें कुछ और बैंक से बोरो करना है, लेट बैंक बोरोइंग्स, उसको आप एज्यूम कर लीजिए विल बी इक्वल टू एक्स आउट ऑफ जैसे टोटल एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, तो उसका क्या फैक्ट पड़ेगा, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी प्लस बैंक बोरोइंग गेस करंट रेशियो शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1.33। करंट एसेट का टोटल कीजिए गेस माइनस गेस 720, करंट लाइबिलिटी देखिए कितनी है, प्रेजेंट करंट लाइबिलिटीज जैसे जो शॉर्ट टर्म लोन है 200, 144 हैं ट्रेड पेबल्स एंड 96 है ये प्रोविजंस, तो ये आपकी हैं प्रेजेंट करंट लाइबिलिटीज 440 प्लस एक्स इक्वल टू 1.33, तो उसको सोल्व करके एक्स का अमाउंट आ जाएगा, तो जिसे जो कमी 720 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1.33 इक्वल वो हेयर 585.2 इक्वल टू 1.33 एक्स, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस 720 1348 अपॉन जिसे 1.33, ये बननी चाहिए आपकी 101.35। तो मैक्सिमम इतना अमाउंट हम बोरो कर सकते हैं फ्रॉम बैंक बोरोइंग से। अब आपकी करंट रेशियो के थ्रू इतनी बोरोइंग्स हो गई हैं आउट ऑफ 165। अब बैलेंस हम कुछ बोरो करेंगे लोन टर्म लोन से, उसके लिए भी आपको रेशो भी है, तो लेट अस सी गैट रेशो। तो सेकंड है आपको कितना अमाउंट बोरो करना है थ्रू लोन टर्म लोन से, उसके लिए आपको कुछ रेशो भी है, रेशो फिक्स एसेट्स टू लोन टर्म लोन शुड बी 1.5। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं डेट, फिक्स एसेट्स टू डेट, तो ये होनी चाहिए आपकी 1.5। तो लेके से फिक्स एसेट देखो आपकी है 600 और डेट है आपका प्रेजेंटली लॉन्ग टर्म लोन 360, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अब हम बोरो करेंगे लेके से जिसे वाई, सो डेट टोटल रेशो है आपकी 1.5, इससे आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी 316 को 1.5 जैसे 540 इट विल गो ऑन दिस साइड इक्वल टू 1.5y, जिससे आपकी देखो y की वैल्यू आ रही है जैसे जो 60 डिवाइडेड बाई 1.5 40, ये आपके आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन से। तो लेट जो आपका गेट है लॉन्ग टर्म गेट, लेट गेट टू बी बोरोड इज इक्वल टू वाई, ये हमने दिया है वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई है। अब जो बैलेंस है वो आप इक्विटी के थ्रू रेज कर सकते हैं, तो वो चेक करते हैं, उठा लीजिए तो इक्विटी फंड्स टू बी रेज दिस विल बी इक्वल टू बैलेंस फंड्स, क्योंकि टोटल फंड्स हैं आपके एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, माइनस कर लीजिए आप एक्स की वैल्यू और माइनस वाई की वैल्यू जिसे 165.60, एक्स है 101.35, वाई है आपका 40। तो ये टोटल फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट है, उसमें से ये हमने शॉर्ट टर्म लोन अरेंज किया है बैंक बोरोइंग्स और ये है लॉन्ग टर्म लोन गेट, बैलेंस हम अरेंज करेंगे इक्विटी से 165.6 माइनस 101.35 माइनस 40, जिससे आप देखिए आपको इक्विटी बोरो करनी है 24.25। अब चेक करते हैं जब आप इतनी इक्विटी बोरो इक्विटी रेश करेंगे बोरो में रेश करनी है इक्विटी, तो उसकी रेशो होनी चाहिए आपकी लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी शुड नॉट एक्सीड 1.05, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चेक करते हैं जैसे जो रेशो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी मीन्स डेट इक्विटी रेशो इज हाउ मच, अब आपका देखो डेट हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन है 360 प्लस 40 आपने रेश किया है, इक्विटी है आपकी प्रेजेंट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व 354 और प्लस आपने रेज की 24.25, सो दिस रेशो इज 400 अपॉन 378.65, सो दिस रेशो इज 400 अपॉन 378.65।
ये आपकी आ रही है देखो 1.0564, तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज नियर 1.05, तो ये भी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट फंड्स हमने रेज किए थे, तो यही हमारा क्वेश्चन है। एक अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, एक्सटर्नल फंड्स को हमने कैलकुलेट करना है पहले, फिर उसको रेज करना है। सो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 13, यू कैन सी इन का क्वेश्चन, यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो, जिसमें आपको रेशो दी है टोटल डेट टू नेटवर्क, दिस इज टोटल डेट टू नेटवर्क एन डब्ल्यू, दिस रेशो इज गिवन 1:2 मीन्स 1:2, देन वी आर गिवन टोटल एसेट टर्न ओवर 2 times टोटल एसेट्स टर्न ओवर, इट इज 2 times, देन ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल GP रेशो इट इज 30%, GP रेशो है आपकी सेल्स के ऊपर, एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसे कहा गया ACP डेटर का कलेक्शन पीरियड है, तो जिसे जो 40 days और टोटल डेज आपको दिए 360 days। सो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ईयर एंड इन्वेंट्री, फिर आपको दिए स्टॉक टर्न ओवर रेशो, ये आपकी बेस है COGS एंड क्लोजिंग स्टॉक के बेस पर, तो जिसे गिवन को भी 3। एसिड कैश रेशो जिसे क्विक रेशो, एसिड कैश रेशो ये होती है आपकी क्विक रेशो, विच इज गिवन को भी 0.75। तो आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास है टोटल डेट अपॉन नेटवर्क, और एक आपको बैलेंस शीट की भी देखा गई है, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट में आइटम देखते हैं आपको देखा गई है। बैलेंस शीट में आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्वमेंट सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल रिकेयर बैंक सरप्लस, फिगर्स आपके चल रहे हैं रुपीज लैक्स में। रिकेयरमेंट सरप्लस देखो है 600, इक्विटी शेयर कैपिटल है 400, और आपका करंट लाइबिलिटी मिसिंग है इसमें किसी बैलेंस शीट। ऐसे साइड में दिए हैं आपको फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक हैं, डेटर्स हैं और कैश का बैलेंस है, ये सारे मिसिंग हैं आपके। इट मीन्स अब आप देखेंगे बैलेंस शीट से आपको पता लगेगा जो डेट है इट इज ओनली करंट लाइबिलिटीज, तो हेयर टोटल डेट मीन्स करंट लाइबिलिटीज, तो टोटल डेट इज करंट लाइबिलिटीज, तो पुट कर रखे हैं करंट लाइबिलिटीज नेटवर्क जो शेयर कैपिटल प्लस रिक्वायरमेंट सरप्लस जिसे जो 1000 इक्वल टू 1:2, तो उससे करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी जिसे जो 500। कुछ मीन्स देख लिया बैलेंस शीट में पुट करेंगे करंट लाइबिलिटीज 500, तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज आ गई 1500, कुछ मीन्स टोटल एसेट्स आ जाएंगी आपकी टोटल लाइबिलिटीज जैसे 1500। हम कह सकते हैं टोटल लाइबिलिटीज आएगी आपकी नेटवर्क प्लस टोटल डेट की करंट लाइबिलिटी होगी, टोटल एसेट्स आ गई हैं उससे टोटल एसेट टर्नओवर आ जाएगी, तो टोटल एसेट्स टर्नओवर की रेशो आपको दी है एक ही सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, उससे सेल्स आ जाएंगी आपकी टोटल एसेट्स आर 1500 times 2, 3000। फिर आपको GP दिया है 30% ऑफ 3900, बैलेंस है जो COGS 2100, तो COGS है 2100, उसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक तो गिस विल बी COGS अपॉन 3 स्टॉक टर्न ओवर से 2100 डिवाइड बाई 3 जिसे कमिंग 700। अब आपके पास एसी कैश रेशो है उससे क्विक एसेस आ जाएंगे करंट लाइबिलिटीज वही ऑलरेडी है, तो अप्लाई करके हम क्विक रेशो फार्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज जिसे जो 0.75, सो वी गेट टू क्विक एसेट्स करंट लाइबिलिटीज है आपकी 500 इनटू 0.75 375। अब देखें डेटर्स आ जाएंगे, कलेक्शन पीरियड है 40 days का, उससे डेटर्स आ गए आपके
टोटल सेल्स आपकी हैं 3,000 और पीरियड है आपका डेज का 40, टोटल डेज हैं 360। सो दिस विल बी अवर डेटर्स 333, 933। कुछ कैसे इसमें से डेटर्स माइनस कर रखे हैं, बैलेंस आपका कैश आ जाएगा। सो कैश बैलेंस है ये 41.67। तो इसको आप पुट कर लीजिए बैलेंस शीट में, यू विल गेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक, स्टॉक वी हैव कैलकुलेटेड 700, डेटर्स आर 333.33, 41.67। अब देखेंगे टोटल करंट एसेट्स आ गए आपकी, स्टॉक प्लस क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स हैं आपकी 375 प्लस 700, जैसे 1075। बैलेंस आ गई आपकी फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स हैं आपकी 1500 माइनस 1075। सो फिक्स्ड एसेट्स आर 425। तो दिस विल बी अवर बैलेंस शीट। तो जिस बार जो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए गैन यू कैन नो इनकम। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 14, तो इसमें देखिए आपको बैलेंस शीट दी है फैक्स लिमिटेड एग्न 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्वेंस सरप्लस है, डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसकी कॉस्ट भी दी है, डेप्रिसिएशन भी दी है, एक्युमुलेटेड स्टॉक रिकरिंग कैश है आपके पास। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 6 times, कॉस्ट टू फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशियो विल बी 1.4। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स उसकी रेशियो दी है टू सेल, फिक्स एसेट कॉस्टिंग 30 lakhs को भी इंस्टॉल किया 1 अप्रैल 2021। तो इस साल के स्टॉक में हम कुछ फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 30 lakhs, पेमेंट विल बी मेड ऑन 31 मार्च, उसकी पेमेंट हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इन मार्च 2022 डिविडेंड को 7% ऑन इक्विटी कैपिटल विल बी पेड, ₹5,50,000 11% डिबेंचर्स वुड बी इशू ऑन 1 अप्रैल, ₹30 lakh इक्विटी शेयर्स वुड बी इशू ऑन 31 मार्च 2022। तो ये नए डिबेंचर नए इक्विटी हम रेज कर रहे हैं, डिविडेंड आपने पे किया है इक्विटी के ऊपर 7%, क्रेडिटर्स वुड बी 25% ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड, डेटर्स विल बी 10% ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 90% ऑफ सेल इंक्लूडिंग मटीरियल 40% एंड डेप्रिसिएशन 5% ऑफ सेल, प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। तो इतनी जो नेट प्रॉफिट निकलेगा सेल से उसके ऊपर आपने फिर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है और टैक्स भी प्रोवाइड करना है, तो आपको प्रिपेयर करनी है प्रोजेक्टिव बैलेंस शीट आइटम 31 मार्च 2022। तो देखो कुछ रेशो से हम स्टार्ट करेंगे, स्टॉक क्या नंबर की है पर उसके लिए सेल्स नहीं है, जीपी रेशो आपकी नहीं है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है। फिर आपको दिए कॉस्ट ऑफ फिक्स कैसे कुछ सेल्स रेशो, इससे आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रेशो है आपकी कॉस्ट ऑफ फिक्स के एसेट्स टू सेल्स रेशो, जैसे कि 1.4। अब आप देखिए कॉस्ट ऑफ फिक्स कैसे निकल जाएगी, बैलेंस शीट में है फिक्स जैसे 16,250, ये थाउजेंड में है फिगर, इसको लैक्स में हम ले सकते हैं, तो लेटेस्ट एक या ओरिजिनल फिगर ले लेते हैं रुपीज में। और अब हम फिक्स जैसे कॉस्टिंग 30 lakh की हम परचेज भी कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी आपकी 16,250,000 प्लस 30 lakhs टू सेल्स इज इक्वल टू 1.4, उससे आपकी सेल्स आ जाएगी, जिसे 30 lakhs 162, सो जिसे 192,50,000 डिवाइडेड बाई 1.24, वो मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट द सेल्स। तो सेल्स आपकी आ रही है 137,50,000। अब इसके बेस पर आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, क्योंकि हमें देखा गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 90% ऑफ सेल, जिसमें इंक्लूड है मटीरियल 40% और डेप्रिसिएशन है 5% ऑफ सेल। तो लेट अस सी वकील गवर इनकम स्टेटमेंट, तो आप मेंशन कीजिए सेल्स हैं आपकी 137,50,000 लेस, किसमें से लेस कीजिए सी ओ जी एस विल बी 90% ऑफ सेल,
इसमें इंक्लूड है आपका मटेरियल 40%, इट मीन्स आप लीजिए मटेरियल 40%, फिर इसमें डेप्रेशन भी इंक्लूड है आपकी 5%, टोटल है 90%, इसमें बैलेंस रहेगा 45%। ये हो गया आपके सैलरी एंड एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस हैं आपके, जिसे 137,50,000 इंटू 40%, जिसे कमिंग 55 लैक्स, देन 137,50,000 इंटू 45%, 61,87,500, 137,50,000 इंटू 5%, जिसे 687,500, तो बैलेंस आपका आ जाएगा जीपी, तो उसको हम नाम दे सकते हैं ईबीआईटी। इसमें और कोई एक्सपेंसिज जो है सारे इंक्लूड हैं इसी के अंदर सैलरी एक्सपेंसिज में, तो जिस पे ये आपका बन रहा है देखो 90%, तो जीपी इज 10% ऑफ सेल, सो 13,75,000। उसमें से आप इंटरेस्ट पे कीजिए। अब आप देखो बैलेंस शीट में आपके पास हैं 10% डिबेंचर्स, और एक आपने नए डिबेंचर इशू किए हैं 1 अप्रैल को, तो लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो जो पुराने डिबेंचर्स हैं 19,50,000 के, उसका इंटरेस्ट आपको दिया है 10%, फिर आपने जो नए डिबेंचर्स इशू किए हैं 5,50,000 के, ये हमने 1 अप्रैल को इशू कर दिए हैं, तो इस साल हमें पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसे जो 11%, तो जिसे कमिंग 195,000, 550 इंटू 11%, 60,500, तो लेस करके आपका आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 13,75,000 माइनस 195,000 माइनस 60,500, तो 11,95,000। इसमें से माइनस कीजिए आपको टैक्स, टैक्स का रेट देखिए आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, तो टैक्स विल बी 30% एट द रेट ऑफ 30%, बैलेंस विल बी अवर पैट, जिसे कमी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 30%, जिसे 783,650। तो अब देखते हैं कुछ और रेशो कौन सी हैं आपकी यूज हो रही हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉक टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 6 टाइम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी जिस वन लेकिन 90%, आपको मेंशन किया है स्टॉक टर्नओवर रेशो बेस्ड ऑन सीओजीएस, तो जिसे जो गिवन को भी अगर 6 टाइम्स, जिससे आपका स्टॉक आ जाएगा सीओजीएस, आप कैलकुलेट कीजिए जिस टोटल सीओजीएस 137,50,000 90%, जिसे 123,75,000 सिक्स, तो स्टॉक ही कमिंग 20,62,500। देन यू आर गिवन गैकर्स विल बी 10% ऑफ सेल, गैकर्स आ जाएंगे आपके, जिसे जो सेल्स हैं आपकी 137,50,000 इनटू 10%, 13,75,000। एंड कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेस हो गई है आपकी, डिविडेंड को 7% ऑन इक्विटी कैपिटल विल बी पेड, तो अब ये जो पैक है इसमें से आप देखिए कितना डिविडेंड पे करेंगे हम, डिविडेंड वो आपको लेस करना है पैक में से, तो लेके सी पैक ये जिसमें डिविडेंड आपका बनेगा प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। देखो प्रेफरेंस शेयर्स है आपके बैलेंस शीट में 8% प्रेफरेंस शेयर 32,50,000 के, इसके ऊपर 8% डिविडेंड आ गया 2,60,000। इक्विटी डिविडेंड है आपने नए शेयर इशू किए हैं 31 मार्च को, तो उसके ऊपर कोई डिविडेंड पे नहीं करेंगे हम, तो हमारा बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 60 लैक्स, उसके ऊपर हमने डिविडेंड पे करना है इक्विटी को 7%, दिस विल बी ऑन 60 लैख 7%, 4,20,000, तो टोटल डिविडेंड आपका जो बन रहा है जिसे 6,80,000, इसको पैक में से लेस कर देंगे, वो आपकी आ जाएंगी रिटेन अर्निंग्स,
सो वट विल बी अवर रिटेन अर्निंग्स, आप कैलकुलेट कीजिए। देखो पैट है आपके पास 783,650 माइनस डिविडेंड 680, रिटेन अर्निंग्स आर 103,650। बस अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो लेट अस सी नाउ बैलेंस शीट। दिस इज यू एज ऑन 31 मार्च 2020। इसमें आप देखिए लाइब्रेरी साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख, फिर आपने नए शेयर इशू किए हैं 30 लाख से, इट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 90 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर कोई चेंज नहीं है, 1% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिस विल बी 32,50,000। फिर आपके पास है रिजर्वमेंट सरप्लस, यह खुद यह 14 लाख, और प्लस कर लीजिए रिटेन अर्निंग्स सिक्स, ये आपने कैलकुलेट किया है 103,650, दिस विल बी 15,03,650। कैन वी हैव डिबेंचर्स, पुराने डिबेंचर्स हैं 10%, सो दिस इज अवर 19,50,000। फिर आपने नए डिबेंचर्स इशू किए हैं 11% डिबेंचर 5,50,000। इक्विटी डिबेंचर्स इशू हो गए हैं, फिर आपको दिए हैं क्रेडिटर्स विल बी 25% को मटीरियल। अब आप क्रेडिटर्स शो कर सकते हैं, मटीरियल देखो है आपका 55 लाख, तो इसके बेस पर क्रेडिटर्स हैं आपके 25%, 55 × 25%, तो जिसे कमिंग 13,75,000। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड आ गई कंप्लीट। कैन वी हैव फिक्स्ड एसेट्स, देखो इसकी कॉस्ट आपको लिए है 162,50,000, फिर हमने परचेज करी है 30 लाख की, फिर आपने डेप्रिसिएशन चार की है, पुरानी डेप्रिसिएशन है बैलेंस शीट में 52 लाख की, फिर आपने इस साल की डेप्रिसिएशन चार की है 5% 687,500। बैलेंस आपके फिक्स कैसे आ जाएंगे, 162,50,000 प्लस 30 लाख माइनस 52 लाख माइनस 687,500, दिस इज कमिंग 133,62,500। फिर आपको दिए स्टॉक गेटर कैश, स्टॉक हैं गेटर्स हैं और कैश का बैलेंस। स्टॉक देखो आपने कैलकुलेट किया था अभी, तो स्टॉक की वैल्यू आ रही है आपकी 20,62,500। डेटर्स के आपके 10% को सेल 13,75,000, बैलेंस आपका कैश आ जाएगा, तो किसी जो बैलेंस नहीं होगा। तो टोटल देखते हैं, लेट अस सी 90 + 32.5 लाख प्लस 15,03,650 प्लस 19,50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 13,75,000 दिस इज कमिंग 176,28,650। सो 176,28,650 इसमें से माइनस कीजिए आप 133,62,500 माइनस 20,62,500 माइनस 13,75,000, तो कैश का बैलेंस आ रहा है आपका 828,650। So this is our now balance sheet. So this was very good question. So many items were new, जैसे material calculate किया, creditors calculate किया हमने, dividend के बेस पर retained earnings, और ध्यान से समझ लीजिए गैनो नोट। तो इस लेक्चर में हमने कुछ examination problem डिस्कस की रेशियो के बेस पे, फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।